व्हाट इज अप गाइस, क्या हालचाल है आप सभी के, जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे मेरे पास क्या रखा हुआ है। गाइस LG की तरफ से आया है 27GN800। तो गाइस इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि ये जो है मॉनिटर कैसा है। और मैंने इसको जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, तो ये मेरे लिए कैसा है, कैसा वर्क आएगा, सब चीज़ें बताएंगे। वीडियो छोड़ के ना जाना, वीडियो में बने रहना। तो जल्दी से गाइस इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे गाइस। तो गाइस इधर देख सकते हो कि जैसे कि अनबॉक्सिंग हो रही है मॉनिटर की, और जल्दी से जो है इसके ऊपर से जो है हमने टेप काट दिया है। और आपको कुछ कुछ जो है दिखने लगा होगा कि भाई आपको मॉनिटर का स्टैंड दिखने लगा होगा। तो ये रहा मॉनिटर का स्टैंड जो कि हमने बाहर निकाल लिया है। देख सकते हैं आपको मॉनिटर का स्टैंड कैसे लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। और मैं बताना चाहूँगा ये जो है स्टैंड है मेटल का है। साथ ही साथ इधर देख सकते हो गाइस ये जो है पावर अडाप्टर है, जो कि मैंने दिखाया आपको। पावर अडाप्टर काफ़ी अच्छा है, सही है गाइस, क्वालिटी बढ़िया है, सभी चीज़ों की वायर्स की क्वालिटी बढ़िया है। और ये रहा स्टैंड गाइस, और ये रही DPI केबल गाइस। लेकिन ये DPI केबल मेरे कोई काम नहीं आएगी क्योंकि मेरे सिस्टम में DPI का स्लॉट नहीं दिया हुआ है। और गाइस ये रहा स्क्रीन मॉनिटर। तो गाइस सस्पेंस को दूर करते हैं, और ये है मॉनिटर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसे निकालते हैं और मॉनिटर को करते हैं सेटअप, और सेटअप करने के बाद गाइस हम आपसे मिलते हैं। तो गाइज हमने जो है इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है। तो बॉक्स में आपको सबसे पहले गाइज आपको ये स्टैंड मिलता है, स्टैंड मिलता है, साथ में पीछे जो स्टैंड लगा हुआ है गाइज ये मिलता है आपको, साथ में ये मिलता है। आप इसको जो है कवर कर सकते हो और इसको जो है निकाल भी सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको जो है अच्छे से टाइट कर दिया है। और गाइज साथ में आपको जो है ये DPI केबल मिलती है, और गाइज पावर केबल मिलती है, साथ में जो है अडाप्टर मिलता है। तो गाइज चलिए जल्दी से जो है इसको कंप्लीट करके जो है हम आपको इसको दिखाते हैं। और गाइज कैसा लग रहा है आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। देख सकते हो गाइज इसमें जो है DPI पोर्ट दिया है, दो HDMI पोर्ट दिया हुआ है, साथ में हेडफोन का पोर्ट भी दिया हुआ है, और ये रहा पावर सप्लाई का बटन गाइज। बाकी जो है गाइज देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा जो है खूबसूरत है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। साथ ही आप देख सकते हो पीछे कितना अच्छा लोगो आ रहा है अल्ट्रा गियर का। ये लोगो मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं देखो इसके ऊपर जो है ओवरराइड भी कर रहा हूँ गाइस। और साथ ही साथ इधर देख सकते हो जो है मॉडल नेम सब कुछ लिखा हुआ है, कितने वाट का पावर लेगा, कितने वाट का है, और क्या मॉडल का नेम है। अभी मैंने इसमें कैप नहीं लगाई, मैं वो भी कैप लगा दूंगा गाइस। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो कि ये जो है हमारा मॉनिटर ऑन हो चुका है गाइस। DPI केबल ये रखी हुई है, ये मेरे में स्लॉट नहीं था, मशीन मेरे सिस्टम में स्लॉट नहीं था, तो मैं HDMI केबल लेने गया है। फिर मैंने इसको HDMI से कनेक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। और गाइस साथ में मशीन भी अच्छी लग रही है। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसमें जो रेजोल्यूशन दिया हुआ है वो गाइस 2K रेजोल्यूशन है, और गाइस 1ms रेस्पॉन्स टाइम है। साथ ही साथ जो है इसका OSD जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हो आप इसको गेम मोड के हिसाब से भी जो है सेलेक्ट कर सकते हो। और गाइस देख सकते हो 144 हर्ट्ज जो है रिफ्रेश रेट है, फिनिशिंग ऑन है, मोशन ब्लर जो है गाइस वो जो है अभी ऑन नहीं है, तो गाइस उसे भी हम लोग जो है ऑन कर सकते हैं। FPS देख सकते हो, और गाइस आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन आप जो है इसमें देख सकते हो बहुत तरीके से मोड चेंज होने, ये गेमर 1 हो गया और ये गेम 2 हो गया, ये FPS है गाइस, ये RTS है। तो गाइस ये HDR है, आप चाहो तो HDR भी ऑन कर सकते हैं। और गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगेगा। गाइस हम लोग इसमें जो है GTA को भी डाउनलोड करेंगे, आने वाली वीडियो में आपको GTA भी खेल के दिखाएंगे गाइस। और आपको तब तक जो है हम इसमें वीडियो क्वालिटी दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है गाइस देखने में। ये रहा गाइस मॉनिटर, और देख सकते हो कितना ज़्यादा जो है खूबसूरत लग रहा है। इसमें जो है वीडियो चल रही है, 4K वीडियो चल रही है, और काफ़ी अच्छे जो है पिक्सल्स है इसके। देख सकते हो कि पिक्सल्स जो है दूर तक की दिखाई नहीं दे रहे, और ये अपनी इधर मशीन रखी हुई गाइस, यहाँ पे जो है सब कुछ इधर रखा हो, और जो है कूड़ा जो है उस साइड जो है फैला रखा हुआ है।
आई होप यू गाइस आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो यार क्या करना है, आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ मैं वीडियो ज्यादा अच्छी नहीं बना पाया हूँ इस बार, कोई बात नहीं, मैं इसकी आपको समझी दे देता हूँ जल्दी से। मैं बता दूँ इसकी स्क्रीन जो है गाइस, इसकी जो डिस्प्ले है वो 2K है और IPS पैनल पे 144 रिफ्रेश रेट है गाइस। साथ ही साथ जो है इसमें गाइस 1 ms का रेस्पॉन्स टाइम है, और आपको क्या ही चाहिए, बस इतना ही चाहिए। प्राइसिंग बता दूँ मैं, प्राइसिंग ये जो है 26,000 रुपीज़ की है प्राइसिंग। और गाइस मैंने कहाँ पे खरीदा है, इसका ब्लॉग मैंने दूसरे चैनल पे डाला है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। मैंने मिस्टर पीसी वाले से खरीदा, अंकित भैया शताब भैया से गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, तो आप वहाँ पे भी जाके जो है देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, उनकी शॉप पे भी जा सकते हो, हजरतगंज में है। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग वाला तो दूसरा चैनल है अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और हाँ गाइस, एक हेडसेट लाया हूँ मैं मिस्टर पीसी वाले यहाँ से, तो वो भी जो है वीडियो आ जाएगी जल्दी, XPG का है गाइस, तो उसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय, सी यू गाइस।